పాపం నీకు తెలుసు కదా చెత్త వినే పొజిషన్ లేడమ్మ వాడు మనల్ని ఎప్పటికి బాధ పెట్టరు మనకి నచ్చినట్టు మన లైఫ్ లేకపోతే లైఫ్ ఉండి వేస్ట్ మనకు కావాల్సిన గట్టిగా అడకపోతే గోల్ ఉండి వేస్ట్ रिलीज होगी फिल्म साशी कौन कौन है इस फिल्म की कास्ट में शामिल क्या लव एंगल है फिल्म में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पलक गुप्ता है मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज की आज की इस नई वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म साशी के बारे में तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तभी आपके सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर अपनी फेवरेट मूवीज या सीरीज से रिलेटेड अपडेट्स नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस फटाफट चेक कर लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के साशी एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो श्रीनिवास नायडू नदिकला तला द्वारा लिखित और निर्देशित है और संयुक्त रूप से आरपी वर्मा रामंजयलु और चिंतलपुरी श्रीनिवास आर द्वारा निर्मित है फिल्म की कास्ट में शामिल है आदि सौरभी राशि सिंह राजीव कनकला और अजय फिल्म 19 मार्च 2021 को रिलीज होने वाली है एक्ट्रेस सौरभि ने साशी में आई साई कुमार के साथ रोमांस किया है जो 19 मार्च को स्क्रीन पर आएगी इसमें सक्षांतर में फिल्म के बारे में बात करती हैं और बहुभाषी अभिनेत्री का ये भी कहना है कि वो ग्लैमरस भूमिकाओं के लिए तैयार है तो दोस्तों अब बात करते हैं हम कास्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में आदित्य पुदीपेड़ी जिसे आदि के नाम से भी जाना जाता है वो तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं आदि दिग्गज अभिनेता साई कुमार के बेटे हैं उन्होंने 2011 में फिल्म प्रेमा कव्वाले के साथ अपनी शुरुआत की जिसके लिए उन्होंने बेस्ट मेल डेब्यू के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण और पुरुष पद्मार्पण के लिए SIIMA पुरस्कार मिला है अब बात करें सुरभि की तो वह मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल फिल्मों में दिखाई देती हैं। उन्होंने 2013 में फिल्म इवान वेमाथिरी से अपनी शुरुआत की और फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए 2 नामांकन भी प्राप्त किए राजीव कनकला एक फिल्म और टेलीविजन अभिनेता हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी धारावाहिकों और शॉर्ट फिल्म में एक्टिंग करके की उन्होंने उसमें से कुछ का निर्माण और निर्देशन खुद ही किया था 2013 में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया वे कई फिल्मों में नजर आए हैं जैसे राजा द ग्रेट अन्नानो ब्रह्मा और साशी के अलावा वह जल्दी आगामी फिल्मों में भी दिखाई देंगे जैसे कि थेल्लावरिथे गुरुवारम एंड नरप्पा अजय मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म उद्योग में काम करते हैं और इसके अलावा उन्होंने तमिल और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है साशी के अलावा वह आने वाली फिल्में जैसे थल्लावरिथे गुरुवारम और अचार में दिखाई देंगे फिल्म की लव स्टोरी की बात करें तो इट्स अ रग लव स्टोरी इस फिल्म में आदि सुकुमार द्वारा निभाया गया किरदार बहुत कुछ कर गया है मेरे किरदार में लिए ये मजेदार और भावना का मिश्रण है वह कुछ खास किस्म के लोगों पर हावी होती दिख रही है वो कहती है कि साशी को एक परिपक्व प्रेम कहानी मिली है और द फिल्म में जो क्लाइमेक्स के दौरान इमोशनल ग्राफ है वो ऊपर चला जाता है ट्रेलर बताता है कि आदि को एक मजबूत चरित्र मिला है जी हाँ वह एक गिटार प्लेयर है जो एक गायक भी है एक प्रेम कहानी है जो दोस्ती को बिंदु हटाती है अब दर्शकों को ये पसंद आ रहा है तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या ये फिल्म आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग मिल पाएगी या नहीं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वहीं अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और साथ ही हमें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अलविदा